दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला पर्यटन अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनींद्र कुमार ने जिला के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में पर्यटन व्यवसायियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने पर्यटन व्यवसायियों से सुझाव भी मांगे ताकि जब भी निकट भविष्य में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो जिला में चरणबद्ध तरीके से पर्यटन गतिविधियां आरंभ कर दी जाएंगी। इस दौरान उन्होंने होटल कारोबारियों को कोविड 19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा। आज जिला किन्नौर में जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ एक वर्चुअल माध्यम से वार्तालाप किया गया, जिसमें कोरोना के चलते हुए जितनी भी समस्याएं यहाँ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आ रही हैं उससे मैंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी किन्नौर होने के नाते जाना और उनके साथ वार्तालाप किया उन तमाम दिशा निर्देशों के बारे में जो सरकार द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं, और उन्हें उनसे ये आग्रह किया गया कि आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलता है तब भी क्या क्या एहतियात उन्होंने बरतनी है ताकि उन पर किसी भी प्रकार का कोविड महामारी का खतरा ना रहे, उनके स्टाफ पर ना रहे और उनके माध्यम से जो है हमारी लोकल पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा उनसे की। इसके अतिरिक्त उनकी एक मुख्यता जो डिमांड थी कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें भी प्रायोरिटी ग्रुप और फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जो है वैक्सीनेशन करवाई जाए, वो उस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर हम उनकी जो मांग है उसको उच्च लेवल के ऊपर जो है प्रेषित करेंगे ताकि इस संबंध में कोई निर्णय जो है वो लिया जा सके। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न दिशा निर्देश जो है समय समय पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट किनको है, किनको टेस्ट नहीं करवाना है स्टेटमेंट के समय, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चर्चा हुई। और अभी हम भविष्य में भी जैसे जैसे अनलॉक की जो दिशा निर्देश हैं वो आते रहेंगे, कर्फ्यू जो है वो हटता रहेगा और पर्यटन व्यवसाय धीरे धीरे पटरी के ऊपर लौटेगा तो हम भविष्य में भी इस प्रकार के वार्तालाप करते रहेंगे। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।